बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमत से महफूज होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ईवन पकवान। तो व्यूवर्स, आज मैं लेकर आई आपके लिए फिर फालसे की एक नई रेसिपी। तो जो हम इसका जूस बनाएंगे बिना ग्राइंडर के, तो वीडियो देखने से पहले अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो को पूरा वॉच करें। तो चलें जी, आज की रेसिपी हम बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, इसके लिए मैंने 150 ग्राम यानी आधा पाव जो है मैंने फालसा लिया है। तो व्यूअर्स, इस फालसे का जूस निकालने के लिए सबसे पहले अपने फालसे को अच्छी तरह धो लें, साफ़ कर लें, और फिर हम इसमें डाल देंगे चीनी, और साथ में हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो अब हैंड मैशर से हम इस तरह इसको मैश कर लेंगे फालसे को। आप चाहें तो हाथ से भी इस तरह इसको मसल सकते हैं। तो ये मैं इसलिए आपको ये तरीका बता रही हूँ कि ताकि किसी के पास ग्राइंडर मशीन नहीं होती, तो मैं इस तरह हैंड मैशर से या हाथों से इस तरह मसल के तो जूस जो है निकल आता है, और जो फालसा है नमक और चीनी डालने से नरम हो जाता है और आसानी से जूस निकल आता है। तो देखें, अच्छी तरह ये मैश हो चुका है, ये आपके सामने मैंने किया है। तो अब हम इसको अब मैंने एक कांच का जो है बाउल और साथ में स्ट्रेनर लिया है, तो इसके अंदर हम डाल देंगे जो मिक्सचर हमने बनाया है। तो फिर आहिस्ता से हम इस तरह चम्मच से दबाते जाएंगे और जूस जो हमारा फारसे का निकलता जाएगा। तो फिर अगर आपके पास ये ना हो तो आप बारीक सा कपड़ा ले लें, उसके अंदर डालें और फिर दबा दबा के निकाल लें। तो ये कितना आसान तरीका है जूस निकालने का, ओरिजिनल जूस बिना केमिकल के। तो आप भी इस तरह घर में निकाल सकते हैं और इजी तरीके से। तो ये देखिए, काफ़ी सारा हमारा जूस निकला है। तो अब हम इसको जग में डाल देंगे। अगर आपने वैसे पीना चाहते हैं तो वैसे पी लें, नहीं तो इसमें पानी डाल के तो फिर इस्तेमाल कर लें। मैं जो है पानी डाल दूंगी। तो आपके सामने है जो 125 ग्राम यानी आधा पाव हमने फालसा लिया था, तो देखिए उसका कितना सारा जूस बन गया। तो आप भी इस तरह निकाल सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। इसी के साथ इस वीरा सजात को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।